गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो स्वागत है आपका हमारे चैनल चैलेंज गेमर्स पर, जिसमें हम चैलेंज लेते भी है और देते भी है। सो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, जरा भी मिस मत करना, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, क्या आपने कभी ई स्पोर्ट प्लेयर बनने का सोचा है? क्या आप कभी फ्यूचर में ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो? क्या आपको भी लगता है कि अदर्स कंट्रीज के मुकाबले हमारे इंडिया ई स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या आपने कभी सोचा है कि यार मेरे में स्किल्स है, मेरा गेम प्ले भी ओपी है, बट मैं ई स्पोर्ट्स में क्यों नहीं हूँ? ये सब सुनकर आपका माइंड एकदम कंफ्यूज हो गया होगा कि यार बात तो सही है। सो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं ई स्पोर्ट प्लेयर्स क्यों नहीं बन सकता। स्टिल वेट गाइज, आप ये मत सोचना कि आप में ही कोई कमी होगी, सो इसी वजह से आप नहीं बन पा रहे हो। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फ्री फायर इंडिया कम्युनिटी के पर्दे के पीछे का काला सच जो आप नहीं जानते। सो आई नो आपको पता तो होगा कि रियल लाइफ हो या एक्टिंग फील्ड, जो आपको दिखता है वो कभी होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि यार ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है। मीन्स रियलिटी पर्दे के आगे कुछ होती है और पर्दे के पीछे कुछ और होती है। सो आई नो आपको थोड़ा बहुत समझ ही आ रहा होगा। सो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है, एंड हाँ, हम इस वीडियो में किसी को हेट नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हम भी इसी कंट्री के हैं यार। बट जो गलत है वो गलत है, और जो इंसान बुराई के सामने झुक गया वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। सो गाइस, 138 करोड़ पॉपुलेशन वाले हमारे इंडिया में बहुत से फ्री फायर लीजेंड ऐसे हैं जिनके पास स्किल है, बट स्किल को देखने वाला कोई नहीं है, और इसी कारण आज फ्री फायर की पब्लिक कम हो रही है। इसी वजह से उन लीजेंड में जो एक लास्ट शॉप होता है वो लोग वो खो देते हैं एंड डिप्रेशन में आ जाते हैं। सो क्या रीज़न हो सकता है, आज उसी बात में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यार, आज ज़रा भी यूज़फुल वीडियो लग रहा हो तो इसी वीडियो को शेयर करते हुए जाना। अगर आपने भी कभी ई स्पोर्ट प्लेयर बनने का सोचा हो या इन फ्यूचर सोचोगे, कभी ड्रीम देखा हो तो ज़रूर शेयर करना। सो फ्री फायर इंडिया कम्युनिटी में आगे ई स्पोर्ट्स वही खेलते हैं जिनका कुछ बैकग्राउंड होता है या फिर किसी बिग क्रिएटर्स के साथ पहचान। अगर वही पहचान आपकी भी होती तो शायद आप भी वहाँ होते, बट ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर क्रिएटर्स से पहचान सबकी होती तो आज हर कोई ई स्पोर्ट्स में होता। और ठीक है, उन बंदों ने ई स्पोर्ट्स में एंट्री कर भी ली, बट गेम प्ले एकदम नूब। और जो आपको पर्दे के आगे वो लोग जो मैजिक वो लोग दिखाते हैं ना, फ्री स्टाइल, फ्री फायर मोबाइल प्लेयर, लीजेंड स्नाइपर किंग, ये सब होते हैं, ये हैक यूजर्स है, और ये हम प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। इंडिया के कुछ ऐसे भी बिग क्रिएटर्स की गिल्ड है जिसके हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। वो गिल्ड के बंदे 83 लेवल की आईडी में हैक यूज करते हैं, और ऐसे हैक जो कभी आईडी बैन नहीं कर सकता, और उसके लिए चार्ज पे करना पड़ता है, जो ये बिग क्रिएटर्स आसानी से कर देते हैं, और इससे उनका चैनल भी ग्रो होता है और ई स्पोर्ट्स स्क्वाड भी। और वो जितना पे करते हैं उससे डबल वो पॉपुलैरिटी एंड मनी गेन करते हैं, जैसे हमारे शेयर मार्केट, कुछ इन्वेस्ट करो तो डबल मिलता है, और कभी तो कुछ नहीं, बट शेयर मार्केट में भी कभी कभी डाउन चला जाएगा, बट इन लोगों की इन्वेस्टमेंट कभी डाउन नहीं जाती और हमेशा बढ़ती रहती है। और जो रियल है वो रियल है, चाहे हम भी यूट्यूबर हो, रियलिटी इज़ रियलिटी। सो यार, बहुत कुछ है बताने के लिए, इतने साल से हम यूट्यूब में सर्वाइव कर रहे हैं, सो सब पता चल ही जाता है जो आप तक कभी पहुंच नहीं पाता, और अगर पहुंच भी गया तो वो रियलिटी में नहीं आता। सो बहुत बड़ी मोहमाया है, इंडिया के टॉप गिल्ड्स के बंदे हैक यूज़ करके ई स्पोर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो और बस ये लोग इंडिया तक सीमित रहेंगे, जब वर्ल्ड टूर्नामेंट होगा वह आईडी भी न्यू, डिवाइस भी न्यू, सब कुछ न्यू, तो तब इनका क्या होगा यार। कुछ चीज़ों की हद होती है, बस खुद के फायदे के लिए, थोड़े पैसों के लिए ये सब कर लोगे, और जब रिप्रेजेंटेशन की और जब प्रेजेंटेशन की बारी आएगी, वही ऑडियंस तुमसे आस लगाए बैठेगी कि यार हमारे लीजेंड हमें 100% जिता देंगे। उनको क्या पता हमारे लीजेंड नहीं बस एक पर्दे के पीछे का काला सच है। तब तुम ऑडियंस का हार्ट ब्रेक तो करोगे, ऊपर से इंडिया को लास्ट में लाओगे। सो अगर हमारी इंडिया के 9 साल की ऑडियंस अगर अभी बड़ी हो गई होगी तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना। आप बहुत से नॉन यूजिंग वीडियो शेयर करते होंगे, बट हमारे इंडिया का नेक्स्ट फ्यूचर ई स्पोर्ट्स के लिए वीडियो शेयर कर दो। सो इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर बताना, हम इन पे क्या एक्शन उठा सकते हैं वो तो आपको पता चल ही जाएगा पार्ट 2 में। सो वीडियो शेयर कर देना, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।